वो सम्मान नहीं मिला उसको, हकदार थे। तो आजाद को हक दिला, आजाद मेरे आइडियल थे, मेरे परिवार के सारे लोग आइडियल थे। आज की तारीख में लोग कहें कि जैसे मैं गांधी राष्ट्रपिता मैं मान नहीं सकता, अगर आजाद को कहें, सुभाष चंद्र बोस कहें, तो लगता है कि मैं बाप हो तो ऐसा हूँ, गार्जियन हो तो ऐसा हूँ, अपने पूर्वज हो तो ऐसे हूँ। अपनाते हैं उसे, कल्चर अपनाने की कोशिश करते हैं कि उनकी चीज़ें उनकी भाषा में देखते हैं। हमारा कल्चर उनसे बड़ा है, सनातनी है, लाखों वर्ष पुराना अपना भारत देश का एक परंपरा रही है, जो विश्व के लगभग लोगों के पास में है। अगर हम अपनी चीज़ों को उनकी भाषा में परोसते हैं, वो लगता है उनका पारिवारिक रूप से उनका परिवार अच्छा होगा, उनके देश में उनका कल्याण होगा। कई समस्याएं जो पाश्चात्य देशों में चल रही वेस्टर्न कल्चर में, वो भी सबको समाप्त कर सकते हैं भारतीय परंपरा को अपनाए तो। इसलिए मैंने अपनी फिल्म को उनकी भाषा में बनाने की कोशिश की, बना चुका हूँ, परोस होना बहुत जरूरी है। लेके आऊंगा। अगर आप एक्सपीरियंस की बात करें तो आपने बहुत कुछ तैयारी की होगी, बहुत काफी रिसर्च किया होगा जी। कैसा अनुभव रहा वो? बहुत अच्छा अनुभव रहा, कि मेरी सारी बातें नहीं है, किसी पूछना भी समझ से परे। हमें कहूँगा कि पिक्चर वो बड़ा मुश्किल है, दो भाषा वो भी कहना मुश्किल है, और 26 कहूँगा मुश्किल है, तो किसी कोई सलाह देने लायक है नहीं, लोग देख